वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से आज अमरावती में महानगर पालिका आयुक्त के तरफ हम लोग आए थे निवेदन लेके। परिस्थिति अमरावती की बहुत गंभीर है, कोरोना पेशेंट 11,500 के पार हो गए, 239 मौतें हो चुकी है। और ये जो 239 मौत का फिगर है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कि यहाँ पे जो डेथ के फिगर्स भी दबाए जा रहे हैं, डेथ इससे डबल ट्रिपल है रोज की। प्रशासन सही इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, उस वजह से जनता तक या मीडिया तक ये बात पता नहीं चल रही। कारण डेथ्स के क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जिसको लेके आज महानगर पालिका आयुक्त को मिलने आए थे, वो है ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई। यानी जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी को लगे या वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर में कन्वर्ट हुए उसको लगे, या जो भी, या घर में जिसको ज़रूरत है, जो पेशेंट्स घर में ट्रीट हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल जा नहीं सकते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब 7 महीने प्रिपरेशन को मिला था महानगर पालिका कलेक्टर को और यहाँ के MLA MPs और स्थानिक नेताओं को, उसके बाद में भी अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आज अमरावती में आ रही है तो ये शर्म की बात है। ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ी तफावत है, गैप है। अगर 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर की अमरावती जिले में जरूरत है, तो आज जो वहां पे एक प्लांट है अमरावती में जो प्राइवेट है, वो 500 से 1000 ही सिलेंडर सप्लाई कर पा रहा है। और कोरोना के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ऑक्सीजन है और एक विटामिन सी है, बाकी ट्रीटमेंट उसका नॉर्मल है। अगर जब हमको मालूम था कि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है और हमारे पास सप्लाई नहीं है, तो 7 से 8 महीने तक के यहाँ का जो लोकल अमरावती के MLA है, जो MP है, या पूरे जिले के अंदर MLAs है, या पालक मंत्री है, या कलेक्टर है, या महानगर पालिका आयुक्त है, तो ये क्या बैठे हुए थे लॉकडाउन लगा के, ये क्या आराम कर रहे थे? आज सबसे बड़ा सवाल है। हमने एग्रेशन कम इसलिए किया था कि आपको समय मिले प्रिपरेशन के लिए, लॉकडाउन इसलिए लिया गया था कि आपको समय मिले हर चीज की तैयारी करने के लिए। लेकिन जो सबसे बेसिक लाइफलाइन है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूं अमरावती करों को कि आप ये समझ के चलो, अगर 1 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ऑक्सीजन की किल्लत से लोग रोड पे मर सकते हैं। समाधान क्या है? समाधान ऑक्सीजन प्लांट है, या फिर जो नागपुर में एक मेगा प्लांट है, आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर 3 मेगा प्लांट्स है जो प्राइवेट कंपनी चलाती है, एक रायगढ़ में, एक पुणे में, एक नागपुर में है। अगर यहाँ का सांसद MLA और कलेक्टर नागपुर से भी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा नहीं सकता, तो इन्होंने अपने पद छोड़ना चाहिए सबसे पहले। दे शुड रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। ये वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से मैं डिमांड कर रहा हूँ। अगर बाजू के नागपुर से आपको सिलेंडर नहीं मिल रहे ऑक्सीजन के, तो आप किस लिए पद पे बैठे हो? आप 2 गाड़ी मुरम की डालने के लिए पद पे बैठे हो? आज सांसद वहां पे छतरी तालाब का सौंदर्यीकरण हमको बता रही है। आज हमको सौंदर्यीकरण की जरूरत है, या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, या कोविड हॉस्पिटल्स की जरूरत है, या जो गरीब पेशेंट्स को लूटा जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसमें महात्मा फुले योजना की जरूरत है। इनको बात समझ में नहीं आ रही। खुद जब बीमार हो रहे हैं तो लीलावती हॉस्पिटल जा रहे हो आप पूरे के पूरे जो VIP ट्रीटमेंट ले रहे हो, गरीब को मरने के लिए यहाँ पे छोड़ा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोज 20 गरीब मर रहे हैं यहाँ पर, उसका जिम्मेदार कौन है? महात्मा फुले योजना के संदर्भ में क्या आपकी जो है डिस्कशन हुआ है? 1.5 महीना पहले कलेक्टर साहब को निवेदन दिया गया था महात्मा फुले योजना का, आपने क्यों नहीं लागू किया प्राइवेट हॉस्पिटल में? जब महाराष्ट्र सरकार का नोटिफिकेशन निकला हुआ है 100% कोविड पेशेंट्स को कवर करने का, तो क्यों नहीं लागू किया गया? क्या इसमें करप्शन है? आपका क्या लेन देन है इसके अंदर, ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। आज नागपुर के अंदर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, नागपुर को स्यू मोटो PIL के ऊपर, क्या आप 1000 बेडेड कोविड हॉस्पिटल अभी के अभी जंबो तैयार करिए, उसका प्रोविजन ऑफ फंड दिया है, सब चीज दिया है, अमरावती में इनिशिएटिव क्यों नहीं होता है? बीड जैसे जिले के अंदर जहां ऑक्सीजन की कमी है, 3 ऑक्सीजन प्लांट का प्रपोजल है, वहां पे ऑलरेडी काम स्टार्ट किया हुआ है। बीड एक बैकवर्ड जिला आता है महाराष्ट्र का, अमरावती एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव जिला है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी क्या डिमांड? हमारी डिमांड क्लियर है, हमने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है महानगर पालिका आयुक्त को कि 8 दिन के अंदर आप हमको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बताइए, या तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी खत्म होना चाहिए, उसको परमानेंट रिजॉल्व होना चाहिए, या हमारा खुद का ऑक्सीजन प्लांट जो है महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा बजट का काम नहीं है। ये जो बेड की कमी पड़ रही है उसके संदर्भ में जो है क्या आश्वासन दिया इन्होंने? आश्वासन ये है कि अभी 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 आश्वासन ये मिला है हमको कि सांस्कृतिक भवन को हमने जाके देख लिया,
देख के क्या करने वाले हैं आप? पहले ऑक्सीजन लाइए, उसके बाद में बेड्स लगवाइए। आप चाहे तो कर सकते हैं, जब मंगल कार्यालय, बड़े बड़े मंगल कार्यालय प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल में अगर बन सकते हैं, उनको बना के आपने उसके उसमें क्या लेन देन किया उसका हमको नहीं मालूम है। अगर वो इमीडिएटली 10 दिन में उनको परमिशन मिल सकती है तो महानगर पालिका खुद का सेटअप क्यों नहीं डाल सकता? उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका खुद का हेल्थ स्ट्रक्चर है, उसके पास में फंड अवेलेबल है। बड़ी बड़ी पोस्ट पे आप, तनखा पे आप, टैक्स पेयर मनी से आज बैठे हो आप। अगर इतना अगर कर नहीं पा रहे तो उससे अच्छा था कि आप क्लर्क बनते थे। ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए महानगर पालिका क्या कर सकती है? महानगर पालिका के पास में दो ऑप्शन है, एक कलेक्टर के पास ऑप्शन है, एक महानगर पालिका के पास ऑप्शन है। कलेक्टर या तो नागपुर से अवेल कराए सिलेंडर्स को, या दूसरे स्टेट बात करे जहाँ पे एम्पल है, पहला ये कलेक्टर कर सकता है। महानगर पालिका ये कर सकता है कि खुद का पहले सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे डलवाए, ताकि हमको किसी और से लेने की जरूरत ना पड़े। ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कटेगा, टैक्स पेयर्स पैसा भी बचेगा, गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा। तो मैं यही सब आपको, ये आपको अलर्ट करना चाहता हूँ। मैं अमरावती करों से अपील कर रहा हूँ कि इनको सर पे लेना बंद करो। अब टाइम आ गया है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, और आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, ये लॉ वो लॉ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट। अरे हमारी जान से बढ़ के है क्या जो एक्ट लगाए जा रहे हैं? जान बचाने के लिए लगाए जा रहे हैं, हमारी आवाज़ दबाने के लिए लगाए नहीं जा सकते। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, 8 दिन में अगर हमको डिसीजन नहीं मिला तो हम आंदोलन में जाएंगे। ये मैं आपको क्लियर वार्निंग कर रहा हूँ, प्रशासन को भी, यहाँ के एमएलए एमपी को भी, सत्ताधारी पार्टी को भी। वंचित पूरी ताकत से आंदोलन में जाएंगे अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो।